गुल्लू देखो आगे, गुल्लू गुल्लू कैसा लग रहा है, गुल्लू गुल्लू कैसा लग रहा है। देखो स्टॉल उड़ा रखे है मैंने इसको। हम जा रहे हैं मार्केट शॉपिंग करने बाबू के लिए। धूप पड़ रही है। हाय गाइस, और हम आ गए मायके। इधर डॉगी दिख रही है, गाय दिख रही है। देखो बाबू कैसी लग रही है इसको, इनको भगाने के लिए। आए चलो चलो चलो, देखो डॉगी को, देखो डॉगी को, डॉगी को। धूप हो रही है तेज वाली। यहाँ से ऑटो रिक्शा लेंगे कुछ, तब उसमें जाएंगे बैठ के। और मायके ब्लॉग हो चुकी है हमारी स्टार्ट। चलिए अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं बाहर। गेट पे कैसे खड़ी हुई आके, आ जाओ आ जाओ, आ जाओ आ जाओ। देखो निकल ही नहीं रही है अभी भाई इसकी मम्मी यशु। अरे आजा बहना, अरे आजा। यशु बुलाना मम्मी को। चलो यहाँ से तुम्हें जाना पड़ेगा थोड़ा सा पैदल पैदल, उसके बाद लेते हैं ऑटो रिक्शा पानी की टंकी से और मार्केट तक। वो मार्केट छोड़ देगा। ये है हमारा फ्रंट घर का, ये है फर्स्ट जो है गली। तो चलो चलते हैं अभी यार, रोड का क्या दिखाना यार। आ जाओ ना तो यार जल्दी। लगाया थोड़ी देर चार्ज में, कितने परसेंट है? गुल्लू गुल्लू बैठा है रिक्शे में, अब देखेगा नहीं। गुल्लू कितनी परसेंट है? थोड़ी सी है। हाय कर रहा है गुल्लू, हाय। हम रिक्शे पे बैठ गए हैं। कागज कागज का दे दे तो नहीं चलो तो भैया दूर जाएगा। अरे मैं टंकी पे मिलूंगा, वो मैंने बदल ली। तो अंदर ऐसे ही मूड चले ना कोई करना चाहिए। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं शॉप पे। हमें लेना था खिलौना न्यू बॉर्न बेबी के लिए। तो यहाँ पे हमने काफ़ी सारे खिलौने देखे थे। सबसे पहले हमने देखा था स्ट्रॉलर, तो वो भी काफ़ी अच्छा था। बट हमने सोचा कि पहले ना दो चार आइटम देख लेते हैं, स्ट्रॉलर पालना वॉकर में या फिर कोई गाड़ी वाड़ी कोई और नहीं होता। लेकिन ये वाला जो देखा था ना काफ़ी बेहद ही अच्छा लगा था हमें यहाँ पे। फिर मतलब काफ़ी चीज़ हमने देखी, फिर बाद में मैंने सोचा डिसाइड करते हैं। तो कोई चीज़ मेरे को पसंद आ रही थी तो बहन को नहीं आ रही थी, बहन को आ रही तो मुझे नहीं आ रही थी। मैंने कहा चलो कोई नहीं, पहले देख लेते हैं उसके बाद में डिसाइड कर लेते हैं। तो मार्केट में तो ना अक्सर होता है ऐसे कि, और आज हुआ क्या था पता है, आज था मंगलवार यार, आधे से ज़्यादा मार्केट जो है बंद पड़ा था। और हमें लेना भी ज़रूरी था क्योंकि कल था बब्बू का प्रोग्राम, इस वजह से हमें कैश भी करके लेना था। तो हमें पूरे मार्केट पैदल पैदल करके यहाँ पर आना पड़ा था। सिर्फ मेन कारण मेन जो हमें लेना था बस यही था कि बाबू के लिए कोई भी टॉय लेना है हमें। इस वजह से हम काफ़ी दूर तो पैदल चले मार्केट, पूरे लक्ष्मण मंदिर पे पहुंच गए चलते 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 चलते। तो भाई जो काम करना वो तो करना ही है, तो इस वजह से हम लोग चले। और फिर उसके बाद स्ट्रॉलर देखा, वॉकर वगैरह देखा, पालना देखा, ये झूला भी देखा। बट झूला को तो इतना ये था कि यार अभी तो अभी न्यू बॉर्न बेबी है, वो तो अभी तो झूले में कैसे बैठ सकती है 5-6 महीने से पहले से। तो जब तक वो गर्दन संभालने नहीं लगेगी या फिर अब मतलब खुद से अपने आप को नहीं संभालेगी ना, तब तक वो बैठ नहीं सकती। तो हमें इसका वो ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या है कि स्टोर से
कुछ मतलब सामान लेना था जो मैं पसंद आया था ना, उसका दूसरा जो है पीस लेके आना था उसको। तो यहाँ पे हमें कम से कम 10-15 मिनट वेट करना पड़ा, फिर उसके बाद में अपना जो है तो सामान लेके आया। और यहाँ पे मेरा गुल्लू जो है सो गया था, ये देखिए परेशान हो गया था गोद में, और यहाँ पे इसने अपनी नींद ले ली थी। तो उसके बाद में हम लोगों ने जो हमने डिसाइड किया था वो सामान लिया। और थोड़ा बहुत आप लोग आगे देखिए कैसा लगता है वीडियो, अच्छा लगता है तो लाइक करना गाइस, चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। आप लोग देखिए इसको कंटिन्यू बने रही। तो ऐसे कैसा लगा ब्लॉग, के लिए अच्छा लगता है लाइक करना, चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना।